सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूजी से टेस्टी चटपटा तीखा नाश्ता लेके आई हूँ। ये नाश्ता इतना टेस्टी और चटपटा होता है, एक बार इस नाश्ते को आप खाएंगे तो पूरे दिन ऐसा लगेगा इस नाश्ते का स्वाद आपके मुंह से नहीं जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाना तो बहुत ही सिंपल रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सूजी से चटपटा तीखा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में सूजी ली है, उसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम उसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और सूजी और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सूजी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं दही। हमने एक बाउल दही लिया है, इसमें हम इसे ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से हम सूजी में मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से चलाते हुए हम सूजी में मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें पानी डालते हैं। तो हमने दही के बाउल में लेते हुए इसमें पानी डालते हैं। हमें इसका एक बैटर बना के तैयार करना होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर बनाते हैं। तो इसे पानी डालते हुए, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बैटर जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। इसे चलाते जाते हैं और इसका एक बैटर जो है तैयार करते हैं। ये देखिए हमारा इस तरीके का हमने ये बैटर तैयार किया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है हमारा, मतलब थोड़ा गाढ़ा बैटर है, तो इसमें हम हल्का सा पानी और डालते हुए इसका एकदम स्मूथ पेस्ट जो है, एकदम स्मूथ बैटर एकदम बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे हमारी सूजी फूलती है तो अभी हमने इसे थोड़ा पतला रखा है, अपने आप ही फूल के एकदम गाढ़ा हो जाता है बैटर। इसे अब हम ढक कर साइड से रख देते हैं। अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन गैस पर रखा है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए इसमें हम थोड़ी सी राई डाल देते हैं। राई डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी सी डालते हैं मटर, और मटर को इसमें थोड़ी देर होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कट की हुई हरी मिर्च। बारीक कट की हुई हरी मिर्च डालने के बाद इन सबको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसमें हमें इन्हें भूनना होता है। इसे चलाते जाते हैं और इसे भून के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी हल्की हल्की मटर भी भुन गई है, हल्की हल्की सी ये हो गई है सॉफ्ट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं कद्दूकस की हुई अदरक। उसके बाद अदरक को भी इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं कट किए हुए टमाटर, ये हमने छोटे छोटे कट करके रखे हैं। टमाटर को भी इसमें से अच्छे से हम पका लेते हैं, एकदम से सॉफ्ट होने तक हमें इसे इसमें पकाना होता है। ये देखिए हमारे टमाटर भी कितने, मतलब इसे इसमें अच्छे से मिक्स हो गए, हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए। इन्हें अब हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इससे हमारी मटर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम गल जाता है, नरम हो जाते हैं। ये देखिए आप हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए। इसे अच्छे से इसमें मैश सा हल्का सा कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसे हमने इन्हें हल्का सा मैश सा कर लिया है, ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं मैश किए हुए उबले आलू, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और मैश किए हुए उबले आलू को भी इसमें हम अच्छे से मिक्स करते हुए तैयार करते हैं। लेकिन अभी उसमें हमें मसाले और डालने हैं, तो हम सबसे पहले मसाले डालेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर हम इसके बाद इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अपनी स्टफिंग जो है एकदम बना के हम तैयार कर लेते हैं। बढ़िया एकदम स्टफिंग हमारी ये बन के तैयार हो जाती है। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं, चलाते जाते हैं। ये देखिए हमारी इसमें सारे मसाले, मटर, टमाटर सब अच्छी तरीके से एकदम से मिक्स हो गए हैं। इसे हमने अच्छी तरह भून लिया है एकदम। तो अब हमारी ये जो स्टफिंग है बिल्कुल जो है बनके तैयार हो गई है, एकदम मैश करके हमने इसे तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। उसके बाद हम धनिया पत्ती डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, उसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे।
जब तक ये ठंडा हो रहा है इधर हम अपने बैटर को देख लेते हैं। ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल फूल के एकदम तैयार हो जाता है, सेट हो गया है। मेरी सूजी देखिए हमारा कितना पतला बैटर हमने बनाया था, कितना गाढ़ा हो गया ये बैटर। अभी हमें ये बैटर जो है थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे सही कर लेते हैं। थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करते हुए इस बैटर को नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे हम लेकर आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके की हमने कंसिस्टेंसी पे अपना बैटर को जो है तैयार कर लिया है। अब हम एक तवा गैस पे रखते हैं और इसे हल्का गर्म कर लेते हैं। जब तवा हमारा हल्का गर्म हो जाए तो उसमें ये बैटर डालते हैं और इसे फैला लेते हैं चारों तरफ, छोटा छोटा फैलाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, एक चीले की तरह छोटा सा हम इसे फैला लेते हैं, थोड़ा मोटा रखते हैं। और इसे नीचे से मतलब एक साइड से हल्का सिकने देते हैं। इस पर हम हल्का सा एक स्पून बस ऑयल डाल देते हैं, ज़्यादा ऑयल हमें इसमें यूज़ नहीं करते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। ये हल्का सा इसे आप देख सकते हो ऊपर से हमारा कलर चेंज हो गया, तो ये हमारा नीचे से हल्का सा जो है सिक गया है। इसे पलट देते हैं, देखिए कितना अच्छा सिक गया है। इसे हम पलट देते हैं और नीचे से भी इसे इस तरीके से हल्का सा सिकने देते हैं, हल्का सा ऑयल लगाते हुए। जब ये इसे बीच बीच में हम चेक कर देंगे, जब ये हल्का सा सिक जाए तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम एक और चीला मतलब बैटर डालते हैं, एक स्पून डालते हैं, उसे फैला लेते हैं, हल्का सा मोटा रखते हैं, चीले की तरह इसे बनाते हैं गोल गोल, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाते हैं। और फिर उसी तरीके से हम इसे भी सेक ले मतलब सेक लेते हैं। अभी पहले एक तरीके से नीचे से हम सेकते हैं हल्का सा ऑयल डालते हुए। जैसे ही देखिए ऊपर का हमारा कलर चेंज है, हमारा नीचे से अच्छे से सिक गया, तो अब हम इसे पलट देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पलटने के बाद इसे नीचे से हम सिकने देते हैं। आप चाहे हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालिए। इसके ऊपर हम स्टफिंग अपनी अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लेते हैं। ये स्टफिंग हमने फैला लिया और उसके ऊपर हम हल्की सी चटनी लगा लेते हैं चारों तरफ। चारों तरफ आप चाहे नीचे की साइड भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड भी लगा सकते हैं। हमने अभी एक ही साइड लगाई है चटनी, और आप चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं, सॉस भी लगा सकते हैं, सॉस चटनी दोनों लगा सकते हैं। और जो दूसरा चीला हमने सेक के रखा था उसे हम इसके ऊपर डाल देते हैं। हमने इसे एक साइड से ज़्यादा अच्छे से सेका था, एक साइड से कम सेका था, तो अच्छी साइड वाले से हम इसे ढक देते हैं। ताकि इस तरीके से बनाने से क्या होगा कि ये आपको बिल्कुल कच्चे भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रिस्पी बन के आएंगे और एकदम कच्चे नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेके हुए लगेंगे। अब हम इसे पलट पलट के हल्का सा ऑयल लगाते हुए अपना जो है वो सेक कर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया बन के आते हैं इस तरीके से, कच्चे भी नहीं लगते हैं और क्रिस्पी बन के एकदम खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये नाश्ता पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सूजी का नाश्ता कैसा लगा। इस तरीके से हम इसे पलट पलट के हमने ये सेक कर तैयार कर लिया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको अब हम नाइफ से या फिर सीजर से किसी से भी कट करते हुए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और इसे अब हम सर्व कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये नाश्ता आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।